अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सर ग्रोवर भाई बता रहे हैं हमें 10 या 12 दिन हुए हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको आज कोई लाजमी फंजीसाइड की स्प्रे करनी है, ताकि अगर वो पहले से ही कोई कवर रखेंगे जो उनकी ऑर्चर्ड है वो स्केब का शिकार ना हो सके। अगर वो एक्स्ट्रा एग स्प्रे करेंगे तो कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना उनको फ्रूट अच्छा होगा उतना आपको दाम अच्छा मिलेगा। अगर आपको 2 या 3 साल एक ही फंजीसाइड आप यूज़ करते हो, कोई दूसरे और फंजीसाइड की स्प्रे करें इस साल, आप प्रोडक्ट चेंज करें इस साल, ताकि पिछले साल अगर उसने रिजल्ट 100 में से 100% दिखाया है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दूसरे साल भी वो अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन अगर आप तीसरे साल उसी की प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम माइट की बात करेंगे, अगर आपको पिछले साल मैडन यूज़ किया है माइट पर, तो आपको लाजमी चेंज करने हैं 2 या 3 साल के बाद, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। फिर आपको लाजमी कोई जैसे कि ओब्रान रखा है सुकास्टी यूनिवर्सिटी ने, उस पर जा सकते हैं और उसके स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी फंजीसाइड आप यूज कर सकते हैं। जो सुकास्टी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है उस पर आप जा सकते हैं और कोई भी फंजीसाइड आज स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब था इस साल, इसीलिए आपको लाजमी एक्स्ट्रा एग स्प्रे करनी होगी, ताकि जो आपकी फ्रूट है वो स्केब का शिकार ना हो सके। अगर आपकी फ्रूट जो है वो स्केब का शिकार हो जाएंगे तो आपको फिर मार्केट में दाम अच्छा नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक स्प्रे आप एक्स्ट्रा कीजिए, ताकि जो आपका फ्रूट है वो अच्छा होगा और मार्केट में दाम भी अच्छा फिर मिलेगा। سو لار روز نے اتھ کُنے جائے تھو نظر وچھو حظ لاسٹ گول دیو تھی نظر وچھو حظ یتھ یتھ مس لار کُن جائے بیٚیہِ وچھو یتھ چھِ ایپلینس کوٚرمُت ییٚتہِ